जेएनयू में 9 फरवरी को विवादित कार्यक्रम की दो वीडियो क्लिपिंग में छेड़छाड़ पाई गई है। इनमें जो शख्स दिखाई नहीं दे रहे हैं उनकी आवाज जोड़ी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के आदेश पर की गई फॉरेंसिक जांच में ये बातें सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस विवादित कार्यक्रम से तथाकथित जुड़े 7 वीडियो को जांच के लिए हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। इसमें 2 वीडियो में हेराफेरी की बात सामने आई है, जबकि बाकी के 5 वीडियो ठीक बताए जा रहे हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हम आपको यह भी बता दें कि जेएनयू में 9 फरवरी को संसद हमले के दोषी अफजल गुरी की तीसरी बरसी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान वहां देश विरोधी नारे लगे। मामला गरमाने पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए और लेकिन इसी सिलसिले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 2 और छात्र उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य ने भी सरेंडर कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नहीं देखिए, अब तो साबित हो गया है कि कन्हैया इन सब मामलों में नहीं है और कन्हैया को मैं पर्सनली जानता हूँ, उसके 2 पीढ़ी से जानता हूँ। हमारे बिहार का लड़का है, हम लोगों को फक्र है कन्हैया पर। और वो लोग सरकार का विरोध हो लड़का कर रहा था, सरकार का विरोध करना देश का विरोध थोड़ी ही हुआ। कि सरकार जिसका काम न्याय दिलाना है, ईमानदारी से तफ्तीश करना है, पर कन्हैया के मामले में जिस तरह डॉक्टर्ड वीडियो कई बार सबके बारे में आ रहे हैं, उससे लगता है सरकार जानबूझकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है छेड़छाड़ कर रही थी। अब इस बात की जांच होनी चाहिए, किसने किया, क्यों किया, क्योंकि वो बराबर का दोषी है अगर उसने कन्हैया जैसे बेगुनाह को उस पर फर्जी नारे लगाने वाला वीडियो चिपकाया या उस पर कोई आरोप लगाया। विपक्ष के नेताओं की अब यह प्रतिक्रिया आ रही है। ब्रजेश तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश, लैब से जो जांच रिपोर्ट आई है, किन किन वीडियो में क्या कुछ गलत पाया गया है, कौन कौन से शख्स जो विवादों में है उन्हें लेकर अब इस पूरे मामले पर रिपोर्ट आई है? अब बिल्कुल देखिए, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि किन किन वीडियो को टेम्पर्ड किया गया था, किन किन वीडियोस में बाहर से ऑडियो ऐड करके उसके बाद फिर पब्लिसिटी उसकी की गई थी। फिलहाल तफ्तीश चल रही है। अब ये पुलिस को जो दिल्ली सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है फॉरेंसिक लैब ने, अभी दिल्ली पुलिस के पास जाएगी और पुलिस उस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिरकार कहाँ कहाँ पे टेम्परिंग की गई है। और अब चुनौती इस बात की होगी कि उन लोगों का पता लगा पाना है कि आखिरकार वो कौन शख्स हैं। हालांकि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, उसके बाद एक के बाद एक करके 7 वीडियो सामने आए थे, ये वीडियो किसने बनाए, कहाँ पे इनकी एडिटिंग हुई, ये पुलिस की तफ्तीश का विषय होगा। हालांकि अभी भी सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि किन किन वीडियो को टेम्पर्ड करने की कोशिश की गई थी। शुक्रिया ब्रजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये चीजें अब सामने आएगी तो इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आता भी दिखाई देगा।